गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जो है 2015 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देखिए 2015 में क्या सब पूछा है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कहता है एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द केमिकल बॉन्ड वुड हैव लेस आयनिक कैरेक्टर। लेस आयनिक कैरेक्टर हम लोग क्या पढ़े हैं, पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, और पोलराइजेशन जो होता है साइज ऑफ कैटायन पर निर्भर करता है। पोलराइजेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के साइज पर डिपेंड करता है। नहीं तो साइज ये दोनों में देखिए LiCl एंड KCl है, दोनों में Cl एनायन का साइज सेम है, तो साइज ऑफ के ग्रेटर देन Li, साइज ऑफ के ग्रेटर देन Li है। नहीं यानी क्या हुआ, के का साइज ज़्यादा है यानी पोलराइजेशन कम है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कम हुआ, यानी क्या हो गया के का साइज कम होने के कारण के का साइज कम हुआ तो पोलराइजेशन कम हुआ, साइज कम हुआ तो पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ। नहीं के का साइज कम होने का कारण के का साइज क्या हो गया, ज़्यादा हुआ के का, हम गलत बोल रहे हैं, के का साइज ज़्यादा हुआ है ना, ज़्यादा होने के कारण पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, पोलराइजेशन कम होने के कारण, कम होने के कारण क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब कैरेक्टर कम का मतलब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना। यानी KCl कहता है एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड केमिकल बॉन्ड वुड लेस आयनिक, लेस आयनिक यानी क्या हुआ, LiCl आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होना, यानी KCl का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तथा LiCl का कम होगा, LiCl का आयनिक कैरेक्टर, LiCl का आयनिक कैरेक्टर कम होगा। इस तरह से हम लोग निकालेंगे।
कंसेप्ट तो यही है नहीं? अगर ये समझ रहे हैं तो किसी भी टाइप का रीजनिंग ये आयनिक और कोवेलेंट नेचर से रिलेटेड हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हुआ कंसेप्ट। इस पर अब कोई भी कंपाउंड दे सकता है आपको। कंपाउंड थोड़े है कि LiCl और KCl के बीच पूछेगा, कुछ भी डाल सकता है। तो वो मेन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को याद रखना है। ऐसे भी मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो जो कंसेप्चुअल पोर्शन होता है उसको घेर देते हैं, तो वही याद रखा जाता है, उसके बेस पर आप रीजनिंग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर कहता है सेकंड नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। पहले भी लिखे थे इसको, establish the relation between rate constant and activation energy एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग क्या पढ़े थे, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग क्या पढ़े थे, जस्ट पहले ही शायद पढ़े हैं, रिएक्टिंग मोलेक्यूल के लिए मोलेक्यूल के लिए वह मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में रिएक्टिंग मोलिकुल के लिए हुआ मिनिमम एनर्जी जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन कहता है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस क्या दिया इक्वेशन, के इक्वल टू ae-EA/RT। यही आर्हेनियस इक्वेशन है। के है रेट कांस्टेंट, ईए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। यही है रिलेशन इसका। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन,
थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस ब्रीफली स्ट्रक्चर ऑफ CHCl, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ CHCl, सीजियम क्लोराइड का कहता है डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ CHCl। तो क्या जानते हैं हम लोग CHCl का स्ट्रक्चर? बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, बॉडी के अंदर जो है CGM रहता है और कॉर्नर पर क्या रहता है, क्लोराइड रहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर में मान लीजिए इसको लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, ये है CS, ठीक है, और यहाँ ये लीजिए क्लोराइड। अब इसका क्वाड्रेशन नंबर भी पूछ सकता है, तो क्वाड्रेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे पूछा नहीं है इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है, ये क्या है CGM है, ये क्या है क्लोराइड है, और क्वाड्रेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्वाड्रेशन नंबर हो जाएगा 8। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, BCC का 2 होता है, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा एक, ये 1+8×1/8, तो 2 हो जाएगा। ये सब पूछते रहता है, सब चीज़ जानिए। ठीक है, फोर्थ इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फोर्थ नंबर कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज 2.46 atm at 27 degree centigrade, calculate the concentration of the solution। क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर इज 2.46 atm एट 27 degree centigrade, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए पाई आपको दिया हुआ है कितना, 2.46 atm, टी दिया हुआ है 27 degree centigrade, इसको कन्वर्ट कीजिए केल्विन में, 27+273 तो 300 केल्विन हो गया। ठीक है, कह रहा निकाल लें कंसंट्रेशन, पाई बराबर क्या पड़े हो CRT, और R का वैल्यू याद रखना होता है, R का फिर नहीं दिया है, तो 0.0821 liter एटमोसफेयर पर मोल पर केल्विन होता है, याद रखना है ये। तो C निकालना है, तो C बराबर पाई बाय RT, पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.46 बाय, R का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 into 300,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0. देखिए ये इससे डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा 0.0998 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इजी क्वेश्चन था। अब देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है हाउ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी, हाउ मोलरिटी हाउ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी, डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी, मोलरिटी यानी हमको क्या निकालना है, मोलरिटी और मोलरिटी के बीच डिफरेंस बना लीजिए काका। मोलरिटी इसको बोलते हैं मोलरिटी। देखिए क्या है दोनों के बीच डिफरेंस, क्या जानते हो, जब किसी सॉल्यूट का वन मोल वन लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो उसे सॉल्यूशन का मोलरिटी कहा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब किसी सॉल्यूट का एक मोल एक केजी सॉल्वेंट में प्रेजेंट हो, एक केजी सॉल्वेंट में घुला हो तो उसे सॉल्यूशन का मोलरिटी कहा जाता है, सॉल्यूशन का मोलरिटी कहा जाता है। दूसरा, इसे कैपिटल एम द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे स्मॉल एम द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है, इसका यूनिट मोल पर केजी होता है।
इसमें वॉल्यूम है या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में अगर आपको और मन है, ऐसे तो बहुत है, दो तीन बहुत होता है दो नंबर में, तो मोलरिटी बराबर क्या पढ़े थे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml करेंगे इस फॉर्मूला में, ठीक है। इसमें कैसे लिख सकते हैं, मोलालिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। यही होता है फार्मूला, ठीक है। परसेंटेज डी वाला तो दोनों में होगा नहीं, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, अब देखिए सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिस्कस रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़े हैं कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, कहता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट।
हम लोग क्या पढ़े थे, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट है, सॉल्यूशन का पी एस है बाय पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही पढ़े हैं नहीं? इसमें क्या क्या है, वेयर पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स सॉल्यूट लिख ले है, एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको मोल फ्रैक्शन को मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं, वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं, अब आपका मन है जहाँ तक जा सकते हैं। इसे दो नंबर में तो इतना सफिशियंट है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो एन क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट, एन क्या है मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको वेट के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो यही हो गया डिस्कस लॉ ऑफ रॉल्फ लॉ ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए। अब हम लोग देखते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर विल डिपॉजिटेड बाय पासिंग 24,125 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, सॉल्ट में जब करंट पास कराते हैं, आई पास कराएंगे, तो ये कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन में डिपॉजिट हो जाएगा। अब कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कॉपर को कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर बन गया। तो हम लोग पहले से जानते हैं टू ए वन इलेक्ट्रॉन मतलब फराडे, तो ये डिपॉजिट हुआ 63.5 ग्राम यानी 2 × 96,500 कूलम्ब से 63.5 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो क्या लिखेंगे, तो कहता है इतना ग्राम से इतना से कितना हाउ मेनी मोल लेकिन निकालना है, तो निकाल लेंगे, या इसी को हम लोग मोल से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका बराबर क्या हो गया, 1 मोल हो गया, 63.5 ग्राम कॉपर मतलब 1 मोल, एटोमिक वेट बराबर 1 मोल। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 96,500 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराया जाता है, पास कराने पर इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराया जाता है, कराया ये इतना लिखने का इसमें जरूरत नहीं है। देखिए इसको ऐसे लिखिए 2 × 96,500 कूलम्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पास कराने पर 1 मोल कॉपर प्राप्त होता है, 1 मोल कॉपर प्राप्त होता है। देयरफोर 1 कूलम्ब कॉपर सल्फेट में पास करने पर 1/2 × 96,500 मोल प्राप्त होता है। इसलिए कितना कूलम्ब दिया हुआ है क्वेश्चन में,
24,125 कूलम, तो 24 वन इंटू 24,125 बाय 2 इंटू 96,500 कूलम हो गया नहीं, तो 4 से अगर करते हैं तो ये 4 में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और ये 1/8 हो गया। 1/8 मतलब कितना हो गया, 0.125 मोल प्राप्त होगा। वेट भी पूछ सकता था, तो ये इस तरह से हम लोग बना लेंगे। क्या कहता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कॉपर विल डिपोजिट बाय पासिंग इतना कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इतना कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर कितना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। कॉपर सल्फेट करंट देते हैं जैसे, तो कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन में डिसोसिएट होता है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे इतना कूलम्ब कॉपर, या फार्मूला से भी निकाल सकते थे, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है प्रोडक्ट पी, रेट लॉ गिवन बाय, रेट लॉ गिवन बाय आर दिया हुआ है के ए पर पावर ए बी, पावर दिया है हाफ ए 3/2, ठीक है, हाफ है और 3/2 है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, यही पढ़े। निकालिए, आर दिया हुआ है के ए पर पावर हाफ, बी पर पावर 3/2 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सम ऑफ द पावर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हाफ प्लस 3/2, तो 4/2 यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। नौवां पूछा है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो देखिए यही है क्वेश्चन, आंसर क्या देंगे, जब लाइट का बीम कोलाइडल सॉल्यूशन होकर पास करता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से कोलाइड करके या टकरा करके
टकरा करके लाइट का स्कैटरिंग होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है जिससे लाइट सॉल्यूशन में चमकता है, इससे सॉल्यूशन में चमकता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए वो ले लिया हम कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। अब रे पास कराते हैं इसमें, यहाँ टकराया तो ऐसे जाएगा, ठीक है, तो टकराया तो ये चमकता है, तो इसी को बोला जाता है। यहाँ से हम लोग दूरबीन लगा करके आँख से देखते हैं इसको, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये चमकता है, तो इसी को कहा जाता है। इस तरह से स्केटर हो जाता है, टकराया तो स्केटरिंग होगा इधर चाहे उधर, तो यही जो टकराया स्केटरिंग हुआ लाइट का, इसी को बोला जाता, इसी कारण चमकता है। टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये क्या है? लाइट टकराया तो टकराने के बाद जो चमक पैदा होता है उसी को कहते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया 1, 2, 3। अब हम लोग करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्शन है। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। ए नंबर में है इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एमीन, ये पहले भी पूछा है लगता है। इथाइल अल्कोहल फ्रॉम इथाइल एमीन, वहाँ था इथाइल एमीन टू इथाइल अल्कोहल, यहाँ उल्टा कर दिया खाली, तो इथाइल एमीन ले लेते हैं हम लोग, इसका HNO2 प्लस HCl से करा देते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। ये मिल गया इथाइल अल्कोहल, ये है आपका इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल एमीन, ठीक है। बी नंबर में देखिए,
बी नंबर में कहता है इथाइल एमिन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, ये दोनों पूछा था, रिपीट है क्वेश्चन, ये इथाइल एमीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इसी सबसे लेवल गिरा देता है। अरे क्वेश्चन बहुत है, थोड़ा चेंज करना चाहिए, हूबहू डाल देता है। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, जो है उसी को बनाना है। इथाइल एमीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इस बार इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है। तो हम लोग क्या किए थे इसका, हम लोग PCl5 से रिएक्शन कराए थे। सेम क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड बना, इथाइल क्लोराइड का एमीन से अमोनिया से रिएक्शन करा दिए थे, ये इथाइल एमीन बन गया था। नहीं, तो ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड बीच में बना क्लोराइड, और ये हो गया इथाइल एमीन। ठीक है, ये क्या हो गया इथाइल एमीन। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, इथाइल एमीन हो गया, तो यही बनाना था। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दीबाजी, तो बल्ले पहले पहले वाला वीडियो में भी है, ये हूबहू है, कोई अंतर ही नहीं है इसमें। ठीक है, अरे ये 10 नंबर नहीं, ये 11th नंबर क्वेश्चन था, हम गलत लिख दिए, ये 11th नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर तब इसी में बना देते हैं, छोटा क्वेश्चन है। 10 नंबर है, 10 नंबर है, गिव नेम ऑफ टू कॉपर ओर्स, गिव नेम ऑफ टू कॉपर ओर्स। कॉपर ओर का क्या क्या नाम है, कॉपर पाइराइट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉपर पाइराइट क्या जानते हैं, CuFeS2 होता है, दो गो नाम पूछा है, कॉपर ग्लांस दे दीजिए, कॉपर ग्लांस Cu2S होता है, Cu2S होता है, और लिखा था एजुराइट भी दे दीजिए, कहे जानना चाहिए ज़्यादा, एजुराइट क्या होता है फॉर्मूला, कॉपर कार्बोनेट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। इस तरह से 2015 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसको केयरफुल्ली पढ़ेंगे और गरीब बच्चे को ज़रूर सलाह देंगे, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं करता है उसके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा, अगर वो केयरफुल्ली देखता है तो उसके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इसको सब किसी को, हर किसी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो भी कमेंट प्रॉब्लम हो उसको लिख दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, थैंक यू।